माइनिंग व बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोल वॉशरी मौजा एसाम्बा पारशिवनी जिला नागपुर में कार्यरत है। सरकारी नियमों का उल्लंघन कर कोल वॉशरी चलाई जा रही है। मामले में ग्रामीणों ने कोल वॉशरी कंपनी पर कोर्ट में केस किया था। कोर्ट जाना और सुरक्षा मांगना कंपनी की साजिश का हिस्सा है, ऐसा आयोजित पत्र परिषद के दौरान प्रशांत पवार द्वारा कहा गया है। जय जवान जय किसान संगठन भी इस मामले में पक्षकार रहा है। इसके साथ ही मामले में सरपंच व ग्रामीण भी पक्षकार रहे हैं। कोर्ट जाना और सुरक्षा मांगना कंपनी की साजिश का हिस्सा है। इससे पहले भी कुछ पत्रकार कंपनी के फर्जी मामलों की खबर दे रहे थे। उन्हें अदालत के आदेश द्वारा ऐसी खबरें प्रसारित करने से रोका गया है और कंपनी को कुछ लोगों ने उक्त पत्रकारों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें रिश्वत दी और पत्रकारों को इस बहाने गिरफ्तार किया गया कि वे फिरौती मांग रहे थे। वॉशरी के माफिया ने मांगा है पुलिस संरक्षण। हम पिछले 3-4 महीने से जो कोल वॉशरी के कारण 1000 हेक्टर जमीन जो खराब हो रही पारसिवनी के पास में, जिससे कोल डस्ट जा रहा, कोयले का खराब पानी जा रहा है, उसके वजह से खेती खराब हो रही, तो उसके खिलाफ में हमने आंदोलन शुरू की। वो आंदोलन बंद करने के लिए करके ये महामिनरल्स माइनिंग बेनिफिकेशन कंपनी ने हमको कोर्ट में खींचा और हमको पार्टी बनाया, जिसमें उनका कहना है कि खेती तो खराब हो रही, हम उनको कंपेंसेशन दे रहे, हम सब दे रहे, लेकिन वहाँ पे आंदोलन किसी ने नहीं करना चाहिए, वहाँ पे किसी ने हमको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमारा काम बंद नहीं करना चाहिए। ये सब जो कंडीशंस इन लोगों ने डाला है, आप मुझे बताइए, जो किसान आज 1000 हेक्टर जमीन उसकी खराब हो रही है, उसका पूरा अनाज खराब हो रहा है वो, लेकिन ये कोल माफिया कोर्ट में जाके संरक्षण मांग रहा है कि भाई मेरे को चोरी करने दो, मेरे को पोल्यूशन का क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, किसकी जमीन खराब हो रही है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे फैक्ट्री के सामने किसी ने भी आंदोलन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही ग्रामीणों, किसानों, सरपंच व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ करने के लिए कंपनी ने कोर्ट में केस दर्ज किया है, ऐसा भी प्रशांत पवार द्वारा कहा गया है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।